जी हाँ स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बेस्ड है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर। फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर बेस्ड ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर वो वीडियो आपको दिख जाएगा। आज के सेशन में आपको बताने वाला हूँ मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ के करेक्ट यूज ऑफ, जो कि बहुत सारी वर्ब के साथ लगता है, बहुत सारे एडजेक्टिव के साथ में, नाउन के साथ में, कुछ फ्रेजेस के साथ में लगता है, लेकिन हमको इसका करेक्ट यूज पता नहीं होता है। आज डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ ही जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स यहां बोर्ड पर आप देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशन पार्ट सेकंड। इसका पार्ट वन जो है उसमें मैंने एट को एक्सप्लेन किया था, आज बताने वाला हूं आपको ऑफ के करेक्ट यूजेस कि ऑफ को आपको कैसे यूज करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे वर्ब्स के साथ, फिर देखेंगे एडजेक्टिव के साथ में, फिर नाउन के साथ में, और फिर कुछ फ्रेजेस में ऑफ का यूज होता है, वो भी हम देखेंगे। और बहुत ही डिटेल्ड आपको सारी चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बहुत अच्छे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्योर ऑफ। क्योर का सबसे पहले तो मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योर मतलब होता है किसी बीमारी से किसी को ठीक करना, है ना। तो क्योर के बाद में क्योर ऑफ इलनेस, ये आप नोट करते चलेंगे, जितने भी अब मैं एक्सप्रेशंस आपको बताते जा रहा हूं ध्यान देना है, राइट। सो क्योर ऑफ इलनेस, बीमारी से ठीक होना, बीमारी से ठीक होना। नॉर्मली क्या कुछ लोग सोचते हैं कि क्योर फ्रॉम कैंसर, नहीं, क्योर ऑफ कैंसर, दिस मेडिसिन विल क्योर ऑफ कैंसर, राइट। तो यहां पर आपको ऑफ अप्लाई करना है, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। और ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, एरर फाइंडिंग में, और इसके अलावा स्पीकिंग में भी आप अगर इनको यूज कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी साउंड होती है। सेकंड में आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स बी वेयर। अब देखिए बी वेयर क्या होता है, बी वेयर का मतलब होता है सावधान होना, सतर्क होना। अब किससे सतर्क होना, किसी से भी सतर्क हो सकते हो, चोरों से सतर्क हो सकते हो, टाइगर से सतर्क हो सकते हो। जैसे आप किसी जंगल में गए, फॉरेस्ट में घूमने के लिए गए, और वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने एक बोर्ड लगा दिया और वहां बोर्ड पर लिख दिया बी वेयर ऑफ टाइगर्स, बी वेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि जंगली जानवरों से क्या रहना है, आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है, कभी भी वो आप पर अटैक कर सकते हैं। तो ये याद रखना है आपको, बीवेयर वो आपके साथ में ऑफ लगता है। साथ ही ये देखिए अवेयर, बीवेयर का जो एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट्स वो होता है अवेयर, और उसके साथ भी ऑफ लगता है, राइट। तो ये कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी कि वर्ब में जो लगी है, वर्ब में जो आपने ऑफ लगाया है, वही आपको एडजेक्टिव में भी लगने को मिलेगा। चलिए मैं आगे ले चलता हूं स्टूडेंट्स आपको बैग ऑफ। अब देखिए ये बैग ऑफ आपका जो है किस तरीके से है, आप किसी व्यक्ति से, वो तो हम लिखते ही हैं आई बेग टू से दैट, वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है। तो बेग ऑफ पर्सन, ये आप नोट करते चलेंगे, पर्सन से जब आप माफी मांग रहे हो तो बेग ऑफ पर्सन के सेंस में आप इसको यूज करते हैं, बैग के साथ ऑफ लगाना है आपको। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, और लर्न का मतलब होता है सीखना या किसी चीज को जानना, है ना। तो जब आपको कोई चीज जानकारी में आती है तो लर्न ऑफ समवंस एक्सीडेंट, हियर ऑफ समवंस एक्सीडेंट, मतलब किसी की इल हेल्थ के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके इससे बता देता हूं, देखिए किसी की इल हेल्थ के बारे में आपको पता चला, ओके ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज हम लोग सीख रहे हैं, किसी की इल हेल्थ के बारे में आपको पता चला, किसी के एक्सीडेंट के बारे में आपको पता चला, तो आप क्या बोलोगे, आई हर्ड ऑफ योर एक्सीडेंट, आई लर्न ऑफ योर एक्सीडेंट एंड आई बिकम वेरी सैड आफ्टर लिसनिंग दिस, और ये सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, अत्यंत दुख हुआ। सो आई हर्ड ऑफ योर एक्सीडेंट, आई हर्ड ऑफ योर इल हेल्थ। तो हियर ऑफ लर्न ऑफ, दोनों के साथ में आपको ऑफ अप्लाई करना होता है। ये जो सेंटेंसेस में बोल रहा हूं ना, इनको बहुत ज्यादा अच्छे से सुनेंगे, और ये जो एक्सप्रेशंस में बता रहा हूं कि किसके साथ यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने कोई टफ नहीं लिए, वही चीजें लिए जिनका स्पोकन में ज्यादा यूज होता है और जो ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स इंक्वायर ऑफ। अब इस इंक्वायर ऑफ को देखिएगा, इंक्वायर ऑफ जो है आपका याद रखिएगा पर्सन के साथ में यूज होता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो तो इंक्वायर अबाउट होता है, जैसे इंक्वायर अबाउट कोर्स, आई एम इंक्वायरिंग अबाउट दिस कोर्स, है ना। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो तो वहां पर आएगा इंक्वायर ऑफ मिस्टर शर्मा, ओके, ही इज इंक्वायरिंग ऑफ मिस्टर शर्मा, वो मिस्टर शर्मा के बारे में पूछ रहे हैं, या वो मिस्टर शर्मा का पूछ रहे हैं कि मिस्टर शर्मा कहाँ है। तो इंक्वायर ऑफ अ पर्सन, इंक्वायर ऑफ अ पर्सन, राइट। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया है, वो आपसे बोलता है मिस्टर शर्मा is inquiring of you, just go and meet,
ठीक है मिस्टर शर्मा जो है वो आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, जाकर उनसे मिलिए। तो इस तरीके से आपका इंक्वायर ऑफ होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गेट आउट, ये तो हम बोलने में भी यूज करते हैं, तो गेट आउट आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ आपको ऑफ लगाना है। तो गेट आउट ऑफ समथिंग या कहीं से आप, जैसे मान लो कहीं डेब्ट से, कर्ज से कहीं से बाहर आपको निकलना है, तो उसके सेंस में आता है गेट आउट ऑफ डेब्ट, गेट आउट ऑफ पजल, किसी पजल से या किसी प्रॉब्लम से, किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं हम, तो उसके लिए गेट आउट ऑफ आता है। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रुपीज, सॉरी, जैसे मान लो मैंने कहा इट कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज, इसकी कीमत है 10 रुपए। जैसे मान लो आपने एक मोबाइल सेलफोन खरीदी का, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस सेलफोन, तो आपने कहा इट कॉस्ट, अब कॉस्ट में यहां एस भी लगाना है क्योंकि वो आपके रूप में काम कर रहा है, इट कॉस्ट ऑफ 20,000 रुपीज, मतलब इसकी कीमत कितनी है भैया 20,000 रुपीज। तो ये देखो कॉस्ट ऑफ, यहां पर कॉस्ट आपका नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में वर्क नहीं कर रहा, वर्ब के रूप में वर्क कर रहा, तो ही ऑफ लगेगा, बाकी नहीं लगाना है ना। चलिए ड्रीम ऑफ, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है, आपने सुना भी होगा, अक्सर बोलते हैं स्टूडेंट्स की आई ड्रीम ऑफ IAS, ठीक है, मैं किसका सपना देखता हूं, IAS बनने का सपना देखता हूं, तो आई ड्रीम ऑफ IAS, आई ड्रीम ऑफ गोइंग देयर, आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग IAS, इस तरीके से अगर आप वो भी लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो कि आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग IAS, राइट। याद रखिएगा ऑफ के बाद में अगर कोई सी वर्ब आप लगाओगे तो उस वर्ब में आपको ing लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट में आपको लेकर चल रहा हूं स्मेल और टेस्ट पर, स्मेल ऑफ एंड टेस्ट ऑफ। अब स्मेल ऑफ किसा, जैसे मान लो आपने मान लो फिश करी खाई, तो फिश की जो स्मेल आएगी आपको है ना, तो आप कहोगे आई स्मेल ऑफ फिश, ठीक है, आई स्मेल ऑफ फिश। और इसी तरीके से टेस्ट ऑफ फिश, ठीक है, डू यू लाइक टेस्ट ऑफ फिश, ठीक है, डू यू स्मेल ऑफ फिश। तो इस तरीके से ये जो स्मेल है, टेस्ट है, इसके साथ में भी आपको ऑफ लगाना है, ये दोनों आपकी वर्ब है, टेस्ट और स्मेल। इसके बाद वॉर्न ऑफ, ये तो आपने सुना ही होगा, आई वॉर्न ऑफ किसी भी चीज के बारे में, जैसे आई वॉर्न ऑफ योर मिस्टेक्स, मैं आपकी गलतियों के बारे में आपको पहले से चेतावनी दे देता हूं, आई वॉर्न ऑफ डेंजर, ठीक है, मैं खतरे के बारे में आपको पहले से ही चेतावनी दे देता हूं, इस तरीके से। तो आई वॉर्न ऑफ डेंजर, आई वॉर्न ऑफ मिस्टेक्स, जिस बारे में भी आप चेतावनी देना चाहते हैं उसके लिए अबाउट मत लगाना, इस तरीके से मत बोल बैठना कि आई वॉर्न ऑफ, आई वॉर्न अबाउट डेंजर, नहीं, आई वॉर्न ऑफ डेंजर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको ऑफ वर्ब का, ऑफ प्रीपोजिशन का, जो कि एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो कि इन वर्ब के साथ ही लगेगी, कोई भी सिचुएशन में कोई सा मतलब भी निकले। जैसे देखिए मैंने कहा मैं आपसे जो है प्रार्थना करता हूं, तो आई बेग फ्रॉम यू, नहीं, आई बैग ऑफ यू, याद रखिएगा, जबकि मीनिंग से आ रहा तो फ्रॉम लगना चाहिए। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आपकी वही प्रीपोजिशंस होती है जो कि एक इंडिविजुअल वर्ड के साथ में, इंडिविजुअल वर्ब के साथ में, इंडिविजुअल नाउन के साथ में, इंडिविजुअल एडजेक्टिव के साथ में कैरी होती है, बिल्कुल नोट कर लेंगे आप लोग। तो ये थी आपकी वर्ब्स, अब हम जंप कर रहे हैं स्टूडेंट्स एडजेक्टिव के ऊपर। तो देखिए एडजेक्टिव आपका सबसे पहला एडजेक्टिव है अवेयर, राइट, अब अवेयर अभी आपने देखा था वी वेयर, तो इस तरीके से ये आपका क्या है अवेयर। तो अवेयर ऑफ, मैंने कहा शी इज अवेयर ऑफ हर मिस्टेक्स, ठीक है, वी शुड बी अवेयर ऑफ टाइगर्स हियर, यहां पर हमें किससे सावधान होना है, टाइगर से सावधान होना है, राइट, अवेयर ऑफ टाइगर्स। फुल ऑफ, ये देखिए एक्सप्रेशन भी आपने सुना होगा, मैंने कहा जैसे मैंने कहा आपने कोई राइटिंग वर्क लिखा, आपने उसमें राइटिंग में काफी सारी मिस्टेक्स कर दी, तो मैंने कहा योर राइटिंग यू नो इज कंप्लीटली इज योर राइटिंग, या यू कैन से दैट योर पैराग्राफ इज फुल ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है, और उसके अंदर बहुत फनी चीजें लिखी, तो मैंने कहा योर पैराग्राफ इज फुल ऑफ फन। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, एक बहुत प्यारी ट्रिक जो शायद आप में से कुछ लोग जानते नहीं होंगे, ऑफ के बाद में अगर आप कुछ लगाओगे तो वो नाउन ही लगाओगे, याद रखना, ऐसा मत लिखना फुल ऑफ फनी, नहीं, फुल ऑफ फन आएगा। हाँ, ये बोल सकते हो आप कि फुल ऑफ फनी इंसिडेंट्स, राइट, लेकिन फनी इंसिडेंट क्या है, फनी इंसिडेंट जो है वो आपका एनपी नाउन फ्रेजेस है, है ना। तो याद रखना ऑफ के बाद में जब भी कुछ भी लगाओगे आप तो वो नाउन ही लगाना है आपको। ऐसे देखिए नेक्स्ट है आपका फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, जैसे आपने कहा मुझे क्रिकेट का शौक है, तो आप कहोगे आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मुझे हॉकी का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ हॉकी। तो ये
लिख लीजिएगा आप यहाँ पर शौक है, अगर वर्ब लगाना चाहे तो वर्ब भी लगा सकते हो, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग हॉकी, जो भी लिखना चाहे आप यू कैन राइट। स्टूडेंट्स कोई भी चीज टफ नहीं है, समझ के पढ़ेंगे सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही देखिए गिल्टी ऑफ कन्विक्टेड ऑफ, कन्विक्ट मतलब जिसके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है, ठीक है, जो अपराधी पाया जाता है उसके साथ स्टूडेंट्स आपको ऑफ लगाना है। जैसे मैंने कहा ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड ही हैज बीन फाउंड, ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, यू कैन से, ठीक है ना। तो गिल्टी ऑफ थेफ्ट, कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, दोनों के साथ में आपको क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। और गिल्टी और कन्विक्ट दोनों का मतलब एक ही होता है, गिल्टी जिसने गिल्ट की हो, अपराध किया हो, कन्विक्ट मतलब भी जिस पर मुकदमा चला हो और फिर उसका अपराध सिद्ध हो गया हो। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं फियरफुल और अफ्रेड। तो अफ्रेड ऑफ तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आपने कहा मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, आई एम फियरफुल ऑफ डार्कनेस, आई एम फियरफुल ऑफ हॉरर मूवीज, अफ्रेड ऑफ हॉरर मूवीज। तो इन सबके साथ में आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, ऑफ लगाना है। चलिए आगे ले चलता हूं, चूंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्प्टी ऑफ, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस आप नोट करके चलिएगा, जो जो सेंटेंस में बोल रहा हूं इनको भी नोट करके चलिएगा। एम्प्टी ऑफ मतलब भी होता है से खाली है, जैसे मैंने कहा क्लास जो है स्टूडेंट से खाली है, मतलब क्लास के अंदर हो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, लेकिन एक भी स्टूडेंट नहीं, तो क्या द क्लास इज एम्प्टी ऑफ स्टूडेंट्स। आपने एक फोल्डर बनाया मोबाइल के अंदर, उसके अंदर कोई फाइल नहीं है, तो आप क्या कहोगे द फोल्डर इज एम्प्टी ऑफ फाइल्स, एम्प्टी ऑफ फाइल्स, एम्प्टी फ्रॉम फाइल्स नहीं बोलेंगे, आपने एम्प्टी फ्रॉम फाइल्स बोला गलत हो जाएगा। तो आपको बोलना है स्टूडेंट्स द फोल्डर इज एम्प्टी ऑफ फाइल्स, एम्प्टी ऑफ जो भी आप उसके अंदर कंटेंट होता है उससे वो खाली है। इसके बाद है डिजायरियस ऑफ, देखो डिजायर से बना है डिजायरियस, डिजायरियस के स्टूडेंट मतलब होता है कि कोई चीज में हम इच्छा रखते हैं, जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश सीखने का इच्छुक हूं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम डिजायरियस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, मैं वहां जाने का इच्छुक हूं, आई एम डिजायरियस ऑफ गोइंग देयर। तो डिजायरियस के साथ भी आपको ऑफ लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है डाउटफुल, आई एम डाउटफुल ऑफ हिज सक्सेस, आई एम डाउटफुल ऑफ हिज सक्सेस, मुझे उसकी सफलता पर क्या है डाउटफुल है, मतलब संदेहात्मक हूं मैं, मुझे संदेह है, तो इस तरीके से डाउटफुल। ऐसे ही कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंट है उसकी सक्सेस के बारे में, तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। अब याद रखिएगा स्टूडेंट यहां कर क्या देता है कि आई एम कॉन्फिडेंट इन माय सक्सेस, इस तरीके से कुछ बोल देता है, जी नहीं, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा ना, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माय सक्सेस एंड आई एम कॉन्शियस ऑफ माय फॉल्ट्स, मैं मेरी गलतियों क्या हूं कॉन्शियस हूं, मतलब मुझे इतना चैतन्य है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं कहां नहीं कर रहा हूं, तो आई एम कॉन्शियस ऑफ माई फॉल्ट्स। जैसे आपको कोई बार बार मिस्टेक के लिए आपको टोक रहा है कि भैया तुम ये मिस्टेक कर रहे हो, ये गलती तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तो तुमने क्या कहा आई एम कॉन्शियस ऑफ माई मिस्टेक्स, मैं अपनी गलती के बारे में कॉन्शियस हूं, मुझे पता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं कहां नहीं कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो जाता है कॉन्शियस। इसके बाद प्राउड, ये तो बोलने में यूज होता है, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है, मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ योर सक्सेस, है ना, तो इस तरीके से प्राउड ऑफ यू, याद रखिएगा प्राउड ऑफ समवन होता है। इसके बाद है रीड, आपने ये एक्सप्रेशन पढ़ा हो शायद, गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ, रीड का मतलब ऐसे होता है किसी चीज से निजात, छुटकारा, है ना, तो गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज से। मैंने कहा वी कैन नॉट गेट रीड ऑफ कास्टिज्म अंटिल अनलेस वी थिंक अबाउट अवर अवर कंट्री अवर नेशंस, राइट। तो गेट रीड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से क्या होना, छुटकारा पाना, याद रखना, ठीक है, गेट रीड ऑफ, ऑफ लगता है इसके साथ में, वीरीड के साथ में भी। नेक्स्ट है वीक, अब देखो वीक के साथ इन भी लगता है और वीक के साथ ऑफ भी लगता है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, याद रखिएगा इन में लगाना है आपको सब्जेक्ट की जब बात हो, जैसे आपने कहा मैं ना सर इंग्लिश में थोड़ा सा वीक हूं, तो आप क्या कहोगे सर आई एम वीक इन इंग्लिश, लेकिन आपको याद रखना कि आप ऑफ कब लगाएंगे, जब आप कहेंगे सर आई एम वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं समझने में थोड़ा सा कमजोर हूं, तो आई एम वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई एम वीक ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ाने में टीचिंग में थोड़ा सा कमजोर हूं, तो आई एम वीक ऑफ टीचिंग। किसी ने कहा सर मैं बोलने में थोड़ा सा कमजोर हूं, आई एम वीक ऑफ स्पीकिंग, लेकिन मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, तो आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं मैथमेटिक्स में अच्छा हूं लेकिन इंग्लिश में कमजोर हूं, आई एम गुड इन मैथमेटिक्स बट वीक इन इंग्लिश। तो ये इन भी लगता है ऑफ भी लगता है, दोनों की सिचुएशन मैंने समझा दी आपको, तो ऑफ कब लगाना इन कब लगाना समझ गए होंगे आप। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया आपको वर्ब, अभी मैंने बताया आपको एडजेक्टिव, नाउ मैं एक्सप्लेनिंग यू नाउन एंड फ्रेजेस।
नाउ स्टूडेंट्स देखिए हम अब बात करते हैं कि हमें नाउन के साथ ऑफ प्रीपोजिशन को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला वर्ड आपको दिया है कॉन्शियसनेस। देखो कॉन्शियस आपको पहले भी दिया था, कॉन्शियस ऑफ राइट फॉल्ट्स है, मिस्टेक्स है, जो भी है व्हाटएवर। तो इसी तरीके से कॉन्शियसनेस ऑफ, जैसे मैंने कहा ही हैज कॉन्शियसनेस ऑफ हिज मिस्टेक्स, ही हैज कॉन्शियसनेस ऑफ हिज मिस्टेक्स। तो उसे अपनी गलतियों का क्या है, कॉन्शियसनेस है, मतलब उसको उसका चेतना है, आभास है, उसके बारे में उसको जानकारी है। तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस ऑफ, ऐसे कंट्रोल ऑफ मतलब नियंत्रण नहीं है, जैसे मैंने कहा देर इज नो कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब स्टूडेंट्स का क्लास में कोई नियंत्रण नहीं है। तो कंट्रोल ऑफ टीचर, सॉरी टीचर का क्लास में स्टूडेंट्स पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो देर इज नो कंट्रोल ऑफ टीचर ओवर स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मैंने उसको अपोजिट एक्सप्लेन कर दिया था। तो कंट्रोल ऑफ टीचर, कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर अथॉरिटी, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, किसी अथॉरिटी का कंट्रोल या नियंत्रण आप आपकी भाषा में कह सकते हैं। डाउट ऑफ, जैसे मैंने कहा आई हैव अ डाउट ऑफ हिज सक्सेस, I have a doubt of his failure, I have a doubt of something, मतलब किसी भी चीज का संदेह अगर आपको है तो उस सेंस में आप बोलेंगे कि I have doubt of his arrival, जैसे कोई व्यक्ति आने वाला है तो आपने कहा I have a doubt of his arrival, या फिर I am doubtful of his arrival। याद रखिएगा doubtful लगाओगे तो M लगेगा, और अगर आपने doubt बोला तो I have बोलना है आपको, है ना। ऐसे देखिए नेक्स्ट है आपका अश्योरेंस, तो अश्योरेंस भी इसी तरीके से आई हैव अश्योरेंस ऑफ योर सक्सेस, राइट आई हैव अश्योरेंस ऑफ योर सक्सेस, तो मुझे आपकी सफलता पर क्या है एक प्रकार से अश्योरेंस है, विश्वास है। स्लेब, जैसे मान लो एक व्यक्ति उसने कहा कि आई एम स्लेब ऑफ ईटिंग, मैं खाने का गुलाम हूं, आई एम स्लेब ऑफ फूड, आई एम स्लेब ऑफ स्लीप, मैं नींद का गुलाम हूं, ठीक है। तो जिस भी चीज का वो गुलाम है, स्लेब है, उसके बाद वो बोल देगा। ऐसे ही विक्टिम ऑफ थेफ्ट, चोरी का विक्टिम, विक्टिम ऑफ रैप, विक्टिम ऑफ जो भी है व्हाटएवर, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे एक महिला है डोमेस्टिक वायलेंस की, वो विक्टिम है, तो हम कहेंगे शी इज विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं, उसकी वो क्या है, विक्टिम है, है ना। पीड़ित, जिसको हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पीड़ित, ये अच्छा वर्ड याद रखिएगा। यूज ऑफ, मैंने कहा देर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, तो यूज यहां पर वर्ब नहीं है। अब आप कहोगे सर यूज तो वर्ब भी होती है, यहां पर यूज का मतलब होता है उपयोग, सिर्फ उपयोग। मैंने कहा देर इज नो यूज, देखिए मैं यहां लिखता हूं देयर इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, गोइंग देयर इसका मतलब ये निकल रहा है कि वहां जाने का कोई उपयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो ये यूज आ रहा है, यूज ऑफ समथिंग। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है वांट ऑफ, जो चीज आपको चाहिए, जो चीज आप चाहते हो, जैसे आपने कहा शी इज इन वांट ऑफ मनी, वो किसकी कमी है, वांट ऑफ का मतलब हो जाता है किसी चीज की डिमांड होती है तो उस चीज की कमी हो जाती है। जैसे मैंने कहा वो पैसों की तंगी में है, तो आप कहोगे शी इज इन वांट ऑफ मनी, राइट, शी इज इन वांट ऑफ मनी। तो इस तरीके से ये वांट का मतलब, वांट भी वर्ब होती है आपका, जिसका मतलब होता है चाहना, जैसे आपने कहा आई वांट अ पेन, तो यहां वांट किसके सेंस में आ रहा है, वर्ब के सेंस में, लेकिन यहां वांट को आपको नाउन के सेंस में यूज करना है, वांट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज की कमी होना। इसके बाद है रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट ऑफ मतलब होता है परिणाम, जैसे मैंने कहा दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, ये जो परिणाम है आपकी सफलता का है, आपकी मेहनत का है, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करें, इनके एग्जांपल्स को नोट करके चले आप, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी चीजों को लर्न करने में। अब देखो रेशो ऑफ, ठीक है, तो रेशो ऑफ कैसे, जैसे मैंने कहा रेशो ऑफ 1:1:10, तो 1:10 के रेशो में, तो इन रेशो ऑफ के अनुपात में, आपकी भाषा में हिंदी में कहे तो 1:10 के अनुपात में, तो आप कहोगे इंग्लिश में इन रेशो ऑफ 1:10, इन रेशो ऑफ 1:11, इन रेशो ऑफ 1:5, ठीक है। तो जो रेशियो के सेंस में भी हम मैथमेटिक्स में कंसेप्ट यूज करते हैं। इसके बाद लास्ट में अब आपको दिए कुछ फ्रेजेस, और फ्रेजेस आप लोग अच्छे समझते हैं, फ्रेजेस पर बेस्ड मैंने एक वीडियो इंडिविजुअल बनाया, आप आई बटन प्रेस करेंगे वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फ्रेजेस मतलब होते हैं वाक्यांश। अब जैसे आपने सुना होगा ऑफकोर्स, जिसका हम यूज करते हैं जब भी हम किसी चीज को पर अपनी सहमति जाहिर करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो हम बोलते हैं ऑफकोर्स, क्या वहां जाओगे, ऑफकोर्स आई विल गो, जी हाँ बिल्कुल मैं वहां जाऊंगा, तो बिल्कुल एब्सोल्यूटली ऑफकोर्स, उसके सेंस में आपका ये यूज होता है। दूसरा होता है ऑफ गुड रेपुटेशन, जैसे मैंने कहा ही इज अ मैन ऑफ गुड रेपुटेशन, ही इज
अ मैन ऑफ, ये देखो मैन ऑफ गुड रेपुटेशन, वह एक कैसा व्यक्ति है? मैन ऑफ गुड रेपुटेशन, एक अच्छी रेपुटेशन वाला व्यक्ति है। ऑफ वंस इंटरेस्ट, ऑफ वंस इंटरेस्ट मतलब होता है जिसमें व्यक्ति को रुचि नहीं होती। तो दिस सब्जेक्ट इज नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट, दिस सब्जेक्ट इज नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट, ये सब्जेक्ट, ये विषय मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, है ना। और अगर आपके इंटरेस्ट का है तो दिस मूवी, दिस वीडियो इज ऑफ माय इंटरेस्ट, आई वुड लाइक टू वॉच इट। तो वंस इंटरेस्ट में कोई भी इंटरेस्ट आ सकता है, माय इंटरेस्ट, योर इंटरेस्ट, आवर इंटरेस्ट, है ना, देयर इंटरेस्ट, जो भी है। ऑफ इंपोर्टेंस, देयर इज नो इंपोर्टेंस, देयर इज नो ऑफ इंपोर्टेंस, मतलब ऑफ इंपोर्टेंस मतलब कोई इंपोर्टेंस नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ बेनिफिट मतलब होता है फायदे का, ठीक है। दिस इज द डील ऑफ बेनिफिट्स, दिस इज अ डील ऑफ इंपॉर्टेंस, दिस इज अ डील ऑफ बेनिफिट, मतलब ये डील कैसी है भैया? बेनिफिट की डील है, फायदे वाली डील है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये कंसेप्ट आज जो मैंने आपको बताया कि ऑफ के बाद में याद रखना, आप हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। तो आप देख सकते हैं ऑफ के बाद में ये नाउन है, ऑफ के बाद में नाउन है, ऑफ के बाद में नाउन है, नाउन है, नाउन है, राइट। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से क्लियर करवाई होगी। स्टूडेंट्स, आप फटाफट लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।